दोस्तों बात करेंगे एक्सेसिव फैट के बारे में। बहुत से लोगों का ये डिमांड था और एक हमारे व्यूअर उनका तो बहुत ज्यादा बार बार कमेंट आ रहा था कि भाई मुझे बार बार ज्यादा ज्यादा पाद आता है, तो इसका क्या कारण है, वो क्या करें। तो देखो पहली चीज तो आप ये समझो कि फैट होना कोई बड़ी बुरी चीज नहीं है, नेचुरल है। इस दुनिया में जिसके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये अंग है, उसको ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रक्रिया तो होगी, ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। लेकिन क्या होता है, कई बार आप पब्लिक प्लेस में बैठे हो, थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, ठीक है ना, कि आपने बोले कि अगले आदमी ने पाद मार दिया, तो वो बहुत ज्यादा बोले कि बेकार लगता। लेकिन कई लोग साथ ऐसा होता है, ठीक है, नॉर्मल कभी कभी चलता, आपने जब उल्टा सीधा खा लिया, पेट में गैस बनी, वो निकलेगा, या तो वो डकार के द्वारा निकलेगा या तो वो नीचे से निकलेगा। तो पाद मारना, फाट करना, ये नॉर्मल है, नेचुरल प्रक्रिया है। बट कई लोग साथ ऐसा होता है, बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता ही रहता, तो उसका क्या कारण है, इसको समझेंगे आज हम। देखो पहला कारण तो आप भी इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आप जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो किस तरीके से ले रहे हैं आप। कोई भी चीज का एक तरीका होता है। कई लोग होते हैं पानी को यूं करके पीते हैं ऊपर से जल्दी जल्दी में, जो कि सही तरीका नहीं है, क्योंकि पानी के साथ एयर भी जाती है अंदर। जब भी पानी पीना है तो आप उसको होंठों से लगा के घूट घूट करके पीना, तो वो तो आपका एक सॉल्यूशन वहीं पे हो जाता है, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। अगर आपकी ऐसी आदत है, गंदी आदत है, तो आप उसको सुधार लो, आपकी प्रॉब्लम दूर है। तो आप एक्स्ट्रा एयर को आपके जीआई ट्रैक में भेज रहे हो, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पहुंचा रहे हो, अब वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। तो पानी को कभी ऊपर से ना पियो, और खाना खाते समय बात ना मत करो। खाना खा रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, हवा जाती है अंदर, वो चली ही जाती है अंदर। तो हमेशा मुंह बंद करके खाना खाना चाहिए। तो दो चीज तो ये है कि पानी और खाना आपको बात करते वक्त या मुंह खोल के नहीं खाना। इससे बहुत मतलब बोलो चाहिए कि 50% आपको आराम मिल जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे कि भाई अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुछ दवाइयां चल रही होती हैं, उन दवाइयों की वजह से क्या होता है कि आपका खाना पच नहीं पाता और वो सड़ता रहता है, फिर गैस बनती है बहुत ज्यादा। जैसे कि कुछ डायबिटीज की दवाइयां, मेटफॉर्मिन बहुत ज्यादा कॉमन है, मेटफॉर्मिन दवाई हर कोई खाता है अगर जिसको डायबिटीज होती। तो मेटफॉर्मिन क्या होता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स का बोले कि डाइजेशन होने नहीं देता, तो वो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में पड़ा रहेगा, आंतों में, बड़ी आंत में पड़ेगा, और सड़ता रहेगा, और फिर वहां पर गैस बनेगी और वो बनती ही रहेगी। एकार्बोस आती है, बोग्लीगोस आती है, ये कुछ दवाइयां ऐसी हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता। खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो वो अनपचा पेट में पड़ा रहता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई आप मेटफॉर्मिन, एकार्बोस या बोग्लीगोस इस तरह की कोई दवाई खा रहे हो, तो फिर समझ लो कि ये समस्या बनी रही। तो दवाइयों की वजह से भी कुछ हद तक ये होता है। तीसरा कारण दोस्तों यहाँ पे मिल्क। अब दूध पीना अच्छी बात है, लेकिन कई लोगों को ये दूध पच नहीं पाता। बोलते ना कि भाई उस व्यक्ति को दूध नहीं पच पाता, या मैं दूध नहीं पीना पसंद करता, वगैरह वगैरह। तो दूध से क्या होता है कि देखो, एक हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक के अंदर एक एंजाइम बनता है, लैक्टुलोज एंजाइम, जो कि एक उम्र तक ही बनता है, बचपन में बनता है, क्योंकि माँ का दूध आदमी पीता है तो उसको पचाने के लिए। लेकिन एक समय के बाद लैक्टुलोज बनना बंद हो जाता है, तो फिर क्या होगा कि वो दूध पच नहीं पाएगा और वो दूध सड़ता रहता है और उससे एक्सेसिव गैस बनती है। तो वो है, तो दूध अगर कोई व्यक्ति पी रहा है ज्यादा, तो भी ये चीज हो सकती है। अगर आप दूध पीते हो तो दूध को पीना बंद कर दो, पी के बंद करके देख लो कि फिर भी बहुत ज्यादा गैस बन रही है क्या, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे दोस्तों, कि कई बार क्या होता है कि कई तरह की बीमारियां होती हैं, कई तरह का बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, कोई सीवियर डिजीज है, पुरानी बीमारी चल रही है, उस वजह से क्या होता है कई तरह के पेन किलर्स ले लिए, स्टेरॉइड दवाइयां खा ली, तो उन कारण भी कई बार गैस बनती है। एक दवाई हो रही दोस्तों, जो कि लोग पतले होने के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, ऑर्ली स्टेट। ऑर्ली स्टेट के ऊपर मैं एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊंगा। वो बोला जी कि एक चमत्कारी दवाई है, जो कि आपको बहुत जल्दी पतला कर देता है, वेट लॉस कर देता है, वेट गेन जो है वेट लॉस कर देता है। ये दवाई किस तरह से काम करती है कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब नहीं होने देती, तो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल नहीं पाती, वो निकलता है टॉयलेट के माध्यम से। तो जब ये कोलेस्ट्रॉल, कार्ब्स नहीं पच पाएंगे तो अभी तो गैस बनेगी ना, तो ये भी एक कारण होता है। तो ठीक है, यही सारे कारण हैं, इनकी वजह से आपको गैस बनती है। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई हम तो कोई दवाई भी नहीं खाते, दूध भी नहीं पीते, और हम खाना चुपचाप खाते हैं,
और बात भी नहीं करते, पानी भी अच्छे से पीते हैं, फिर भी हमको ये प्रॉब्लम होती है, तो उसका ये है कि भाई आपको आईबीएस हो सकता है, इरिटेबल बोवल सिंड्रोमिक बीमारी होती है आईबीएस। आईबीएस के दौरान ये सब होता है। आईबीएस में क्या होता है कि गैस बहुत ज्यादा बनती है। आईबीएस नहीं जानते मेरा वीडियो आप देख लेना, ठीक है। तो आईबीएस में क्या होता है, जब गैस बनती है, जो पास होती है, आदमी जब फाट करता पाटता है तो उसमें उसको बुरी बदबू नहीं आती। हाँ ठीक है, वो लगेगा कि हाँ भाई गैस पास हो गई, बट बदबू नहीं आएगी। बदबू कब आएगी, जब आपका खाना पचेगा नहीं, सड़ता रहता, ठीक है। तो ये चीज है, आई होप आप समझ गए होंगे कि भाई पाट क्यों आता है ज्यादा, एक्सेसिव फाट का क्या कारण है और उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और जो कि आपके काम आ सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से करें। आप देख रहे थे ज्ञानी द मेडिकल चैनल, मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।